देता है। थैंक यू। गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो टुडे वी आर डूइंग एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 33। आज हम एफिसियों की किताब 5वें अध्याय का 25 से लेके 33 तक का जो वचन है वो करेंगे। लास्ट टाइम वी डिड 21 to 24। पिछली बार हमने 21 से लेके 24 तक किया था। विल जस्ट दिस सेक्शन फ्रॉम 21 to 33 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर आर लाइफ्स। तो ये जो भाग है, जो कि 21 से लेके 33 तक का जो भाग है, वो हमारी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज इन एवरी फैमिली देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ क्योंकि हर एक परिवार में एक पति और पत्नी होते हैं। एंड गॉड हैज गिवन सम इंस्ट्रक्शंस एस्पेशली इन दिस पैसेज फॉर बोथ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खास करके ये अध्याय में परमेश्वर ने जो है पति और पत्नी दोनों को जो है कुछ निर्देश दिए हुए हैं। एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड नॉट फ्रॉम मैन। सो इफ वी कीप दिस इट विल बी आर लाइफ विल बी ब्लेस्ड। और ये जो निर्देश है वो परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए हैं, ना कि कोई मनुष्य के द्वारा। तो अगर हम इन वचनों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत ही आशीषित होगा। तो जस्ट अ स्मॉल रिविजन ऑफ 21 to 24। तो यहाँ पे पिछली बार जो 21 से लेके 24 किया था उसका थोड़ा सा पिछला कहानी बताता हूँ। पिछली बार से Yes, in 21 and be subject to one another in the fear of Christ. 21 वचन में, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Verse 21 says, be subject to one another. तो यहाँ पे 21वें वचन में कहा गया है कि एक दूसरे के अधीन रहो। And from 22 onwards, it speaks about what wife should do and husband should do. और 22 वचन से हम देखते हैं यहाँ पे कहा गया है कि क्या पत्नियों को क्या करना चाहिए और पतियों को क्या करना चाहिए। But 21 says, be subject to one another. That पर 21वें वचन में कहा गया है कि एक दूसरे के अधीन में रहो। means it includes husband to be subject to the wife and wife to be subject to the husband. इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे पत्नी पत्नी को भी पति के अधीन में रहना, पति को भी एक दूसरे पत्नी के अधीन में रहना है। बट इट डज नॉट कैंसिल वॉट इज रिटन इन 22 to 33। पर ये जो बात है 22 से लेकर 33 वचन में जो लिखा हुआ है, इन बातों को रद्द नहीं करता है। तो जस्ट एज जीसस हु हैड ऑल अथॉरिटी हु वाज लॉर्ड ही वॉश द फीट ऑफ द डिसाइपल्स। तो प्रभु मसीह जो है, जिसका सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार था, उसने अपने शिष्यों के पांव धोए। सेम वे पीपल इन अथॉरिटी शुड बी एबल टू द मास्टर शुड नॉट जस्ट लॉर्ड इट ओवर द स्लेव बट बी लविंग टूवर्ड्स द स्लेव। तो वैसे ही जो लोग अधिकार पे हैं, जैसे कि हम कहेंगे तो अगर कोई मालिक है तो सारी चीजें जो है अपने सेवक के ऊपर ना थोपते हुए उसको संभाल कर लेके चलें। द फादर्स एंड मदर्स हु हैव गॉट अथॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन शुड नॉट प्रोवोक देम टू एंगर बट शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स देम। माता पिता जो अपने बच्चों के ऊपर अधिकार रखते हैं, उन्हें अपने बच्चों को जो है गुस्सा दिलाने की बजाय उनका ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए। सेम वे द हस्बैंड्स शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स हिज वाइफ। और वैसे ही पतियों को अपनी पत्नी की ओर जो है प्रेम दिखाना है, उनका ख्याल रखना है। ऑल्सो द एल्डर्स should not lord it over the people under their care, but it says in Peter, 1 Peter 5:5, you younger men be subject to the elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud but gives to grace to the humble. इसीलिए पहले पत्रस में 5वें अध्याय के 5वें वचन में हम देखते हैं, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो So this is the meaning of verse 21. ये 21वें वचन का अर्थ है। Yeah. So now we'll just go through 22 to 24. तो हम 22 से लेके 24 तक जाएंगे, Which is a recap of what we have done earlier. जो कि हमने पहले किया हुआ था उसको हम फिर से देख रहे हैं। So
फॉर वाइफ्स हियर इट इज गिवन 3 वर्सेस. यहाँ पे 3 वचन दिए गए हैं। सो वर्स 22 सेज वाइफ्स बी सब्जेक्ट टू योर ओन हस्बैंड्स एज टू द लॉर्ड. यहाँ पे 22 वचन में कहा गया है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सो इट मींस दैट योर जस्ट वॉइस एज इज ब्रेकिंग। माई वॉइस इज ब्रेकिंग. या ओके, इज इट ब्रेकिंग नाउ? आई थिंक इट्स बेटर। ओके ओके. एनीवे सिस्टर लीजा इज नॉट वर्किंग ब्रेकिंग नाउ. हर्स इज ओके. हाँ, सिस्टर वॉइस इज ओके ब्रदर। देन ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू हर एटलीस्ट. ओके. सो इट सेज वाइफ्स बी जस्ट एज द वाइफ्स जस्ट एज द सिस्टर्स आर सब्जेक्ट टू जीसस. तो यहाँ पे कहा कहा गया है जैसे कि बहनें जो है प्रभु के अधीन में रहती हैं, सो वी ऑल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर ऑल सब्जेक्ट टू जीसस, राइट? जैसे कि हम सब भाई बहन जितने भी हैं हम सब अपने प्रभु मसीह की अधीनता में हैं। इन द सेम वे वाइव्स जस्ट एज दे आर सब्जेक्ट टू द लॉर्ड दे हैव टू बी सब्जेक्ट टू द हस्बैंड्स. वैसे ही जैसे पत्नियां जो है प्रभु के अधीन में रहती हैं, वैसे ही वो अपने पतियों के भी अधीन में रहना चाहिए। सो देयर इज अ मॉडल और एन एग्जांपल फॉर द वाइव्स दैट जस्ट एज दे आर सबमिटेड टू द लॉर्ड दैट दे कैन बी सबमिटेड टू द हस्बैंड्स. तो यहाँ पे एक आदर्श और उदाहरण दिया गया है, जैसे पत्नी जो है प्रभु के अधीन में रहती है वैसे ही उसे पति के भी अधीन में होना चाहिए। एंड देन वर्स 23 सेज फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ एज क्राइस्ट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द चर्च ही हिमसेल्फ बीइंग द सेवियर ऑफ द बॉडी. और 23वें वचन में कहा गया है क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलिसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। तो इन द फैमिली गॉड हैज प्लेस्ड द हस्बैंड एज द हेड. तो एक परिवार में पति को परमेश्वर ने सिर के रूप में रखा है एंड इट सेज जस्ट एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च और कहा गया है जैसे मसीह कलिसिया का सिर है इन द सेम वे गॉड हैज प्लेस्ड द हस्बैंड एज द हेड ऑफ द वाइफ एंड एज द हेड ऑफ द फैमिली. वैसे ही परमेश्वर ने जो है पति को जो है एक परिवार का सिर रखा है और पत्नी का भी सिर रखा है। And he is also the savior of the body. He is the one who cares for the body. और वो जो है उद्धार करता है, वो ऐसा है जो ख्याल रखता है परिवार का। So that means the husband too must be very caring to the body or to his wife. इसका अर्थ ये हुआ कि जो पति है उसको अपनी पत्नी के और जो है प्रेम दिखाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। Now verse 24. But as the church is subject to Christ, so also wives ought to be to their own husbands in everything. और 24वें वचन में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो वी ऑल नो दैट वी एज अ चर्च आर सब्जेक्ट टू आर हेड हु इज जीसस क्राइस्ट. तो हमें कलीसिया के रूप में हम जानते हैं हमारे जो सिर जो मसीह है उनके अधीनता में हम हैं। सो अगेन अनदर मॉडल और एन एग्जाम्पल इज गिवन टू द वाइव्स दैट जस्ट एज द चर्च वी नो दैट द चर्च इज सब्जेक्ट टू द जीसस. सो इन द सेम वे द वाइव्स ऑट टू बी सब्जेक्ट टू देयर हस्बैंड्स इन एवरीथिंग. तो यहाँ पे और एक आदर्श और उदाहरण दिया गया है कि जैसे कलीसिया जो है मसीह की अधीनता में रहती है वैसे ही पत्नियों को अपने पति के भी अधीन होकर रहना है। ओके, नाउ वी विल गो टू द हम 25 ऑनवर्ड्स. अब हम 25 से लेकर आगे जाएंगे। नाउ फॉर द हस्बैंड्स हाउ मेनी वर्सेस आर देयर? अब यहाँ पतियों के लिए कितने वचन हैं? एनीबडी कैन से? कोई कह सकता है? देयर आर 5 वर्सेस 5 वचन है। फ्रॉम 25 to 29. सो 25 से लेके 29 तक। द हस्बैंड्स हैव गॉट more verses for them, instructions. तो पतियों के लिए ज्यादातर निर्देश दिए गए हैं। Okay, so yeah, I personally in my own life have meditated more on this part. और मैं व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में इन वचनों पर ज्यादा मैंने मनन किया है। The other part, this other 3 verses I have just read, that's all.
बाकी की जो 3 वचन है वो सिर्फ मैंने पढ़े हैं। बट बिकॉज दिस इज अ बाइबल स्टडी, आई हैड टू मेक अ स्टडी ऑफ इट, और क्योंकि ये एक बाइबल का अध्ययन है तो मुझे और उसके बारे में पढ़ना था। एंड आई हैड टू गो डीप इन इट सो एज टू अंडरस्टैंड इट एंड टू एक्सप्लेन इट. और मुझे उसकी गहराइयों में जाना था ताकि मैं उसे समझ पाऊं और उस दूसरों को बता पाऊं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ओनली व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग. तो जहां जो हम बात कर रहे हैं भाइयों बहनों, वही है जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल अबाउट द टीचिंग ऑफ अ ग्रुप और अ डिनोमिनेशन. ये कोई जो मंडली है या तो कोई समूह का जो प्रचार है उसके बारे में आपको नहीं सिखाया जा रहा। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी ग्रुप्स टीचिंग. मैं किसी भी झुंड की जो प्रचार जो शिक्षा है उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज मैं दिलचस्पी रखता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है एंड टू स्पीक अबाउट इट. और मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। We have spoken about the wives. मैंने पत्नियों के बारे में बात की। Now let us go to what the husbands. अब हम पतियों के विषय में बात करेंगे। Verse 25. 25वां वचन। Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। So, अगेन अ मॉडल एंड अ कंपैरिजन इज गिवन. यहाँ पे फिर से एक आदर्श दिया गया है, एक तुलना की बात यहाँ पे दी गई है। दैट नाउ व्हेन हस्बैंड व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट द हस्बैंड शुड लव देयर वाइव्स, परमेश्वर का वचन कहता है कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए नाउ इट इज गिविंग एन एग्जांपल हाउ इट शुड बी डन. सी और यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि वो कैसे करना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ यू हैव एन इंग्लिश बाइबल और आई डोंट नो In English Bible especially, the words in earlier also about the wives, it's written, wives be subject to your own husband as to the Lord, and then as a church is subject to Christ, so also. So the word as is used, and that word is used for husbands also. तो हम देखते हैं कि जिनके पास इंग्लिश का जो बाइबल है, अंग्रेजी बाइबल है, उस पे लिखा गया हुआ है कि पत्नियों को अपने पति के ऐसे अधीन रहना है जैसे कि कलीसिया जो है मसीह की अधीनता में है। Husbands also have the got the same thing as Christ has done. और यहाँ पे पतियों को भी वही कहा गया है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। When the instruction is that husband should love their wife, then how it should be done? जब It is written that just as Christ loved the church, so also husband should love their wives. यहाँ पे निर्देश दिया गया है पतियों को कि कैसे अपनी पत्नियों से प्रेम रखना है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही। So when we think of how Christ loved the church, जब इस बात के बारे में सोचते हैं कि कैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, the church was Christ being, you know, so holy and he was God. He came as a man and he was without sin and he had all authority and power and he still loved the church while we were yet sinners. हम देखते हैं मसीह जो कि बहुत ही पवित्र है, सर्वशक्तिमान है और इस पृथ्वी पर आए, हमसे प्रेम किया प्रभु ने, प्रभु के पास सारे अधिकार थे, फिर भी प्रभु ने कलीसिया से हमसे प्रेम किया जबकि हम पापी ही थे। So we get a picture of how Christ loved the church. In the same way, we have to love our wife. तो हमारे सामने एक चित्र है कि कैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, तो वैसे ही हमें भी प्रेम करना है। So, with all our failures, with all our weaknesses and sins, Christ loved us. और हमारे सारी असफलताओं के साथ, हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं, पाप है, सारी इन बातों के साथ भी प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। So when we see our wives and suppose we see some failures, we see some imperfections, as every wife and every husband has got imperfections. तो हम देखते हैं एक पति या पत्नियों में जो है कोई भी कमियां पाई जाती है, कमजोरियां पाई जाती है कि जो जो कि सब पति पत्नियों में होते हैं। So that is without a doubt, wife can see that so many imperfections and failures in the husband. Husband can see the same thing in the wives. तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि पत्नी जो है अपनी पतियों में बहुत सारी कमजोरियां देख सकती है, कमियां देख सकती है, वैसे पति भी अपनी पत्नी के अंदर जो बहुत कमियां घटियां देख सकती हैं।
बट गॉड हैज यूनाइटेड अस एज हस्बैंड एंड वाइफ, परंतु परमेश्वर ने हमें एक पति और पत्नी जैसा जोड़ा है, एंड हैज गिवन अस दिस वंडरफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ हस्बैंड्स लव योर वाइव्स। और ये अद्भुत सा एक निर्देश दिया हुआ है कि पति और अपने पत्नियों से प्रेम रखो। सो इट इज नॉट ओनली व्हेन दे आर स्वीट एंड गुड बट एट ऑल टाइम्स। ये सिर्फ तब नहीं कि जब वो अच्छे होते हैं, भले होते हैं, पर हर समय प्रेम रखना है। देन वर्स 26 सेज दैट ही माइट सैंक्टिफाइड हर हैविंग क्लेंस्ड हर बाय द वॉशिंग ऑफ वाटर विद द वर्ड। तो 26वें वचन में कहा गया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। So when Christ loves us so much, what happens to us? There is a, the Bible says, the kindness of Lord of God leads us to repentance. तो जब मसीह हमसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर की दया जो है वो हमें पश्चाताप की ओर लेके जाती है। So we get sanctified when, because of the love of Christ and His forgiveness, we get sanctified in our life. परमेश्वर के क्षमा के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन में जो है पवित्र किए जाते हैं। Similarly, the wife, our wives are helped and blessed when the husband shows love to her and forgiveness to her, and it'll bless her to become a better wife. तो वैसा ही जब पति जो है अपनी पत्नी की ओर प्रेम दिखाता है और उसका ध्यान रखता है, क्षमा दिखाता है, तो पत्नी जो है आशीषित हो जाती है और बेहतर पत्नी बन जाती है वो। Similarly, we find it even in the we read if you read in Peter, we read last time, we read that about the wives that they should be submissive to their husbands, and even when they are disobedient to the word, by their behavior, their husbands are won to the Lord. तो हमने पत्रस में पढ़ा था कि जब पत्नी को अपने पति के अधीन में तब भी रहना है जब वो परमेश्वर की आज्ञाकारी हो, क्योंकि पति पत्नी के चाल चलन के द्वारा जो है पति का छुटकारा या उद्धार हो सकता है। Brothers and sisters, in married life, this is very, very important that both the wife, when the husband is difficult, and because of her good behavior, the husband changes. Similarly, in the other way around, when there's a difficulty in the wife behavior, when the husband is good and loving, the wife gets changed. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारी वैवाहिक जीवनों में कि जब पति पति जो है अच्छा नहीं होता है, तो पत्नी के जो है चाल चलन अच्छे स्वभाव के द्वारा जो है उसका जीवन बदल जाता है। वैसे ही पति पति भी अगर पत्नी जो है वो अच्छी नहीं होती है, बहुत मुश्किल कठिन होती है, तो पति के चाल चलन के द्वारा, उसके प्रेम और ख्याल रखने के द्वारा पत्नी का जीवन बदल सकता है। Verse 27 says that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and blameless. 27वें वचन में कहा गया है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलिसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुग्गी, ना कोढ़ ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। So, our Lord Jesus wants to present each one of us, his church, spotless and blameless. तो प्रभु यीशु मसीह उसकी कलीसिया हम हर एक को जो है वो सामने खड़ा करना चाहते हैं बिना कोई झुरी या कोई खोड़ के। The same way, the husband, when he wants his wife to be to become a better wife or be closer to Christ, when he loves her, when he lays his life down for her, then that will happen. तो वैसे ही अगर एक पति को अपनी पत्नी जो है पत्नी से ये इच्छा है कि वो एक बेहतर पत्नी बने, तो अगर वो उसे बिना कलंक के, बिना झुरी के जो है रखना चाहता है, तो वो उसे प्रेम रखे और उसका ख्याल रखे। So we see the first example for the husband, first model or first example is, husbands love your wife just as Christ loved the church. हमने पहला उदाहरण या आदर्श ये देखा कि पतियों अपने पत्नियों से वैसे ही प्रेम रखो जैसे कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। Now another example is given. Just as the wives have got two examples, the husband also have got two examples. जैसे पत्नियों को दो उदाहरण दिए गए थे, वैसे पतियों को भी दो उदाहरण दिए गए हैं। Verse 28 says, 28वें वचन में कहा गया है, So husbands ought also to love their own wives as their own bodies.
ही हु लव्स हिज ओन वाइफ लव्स हिमसेल्फ। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। So the second model or second example is that just as every husband loves himself, in that same way we ought to love our wives. तो यहाँ पे दूसरा आदर्श हमें ये दिया गया है कि जैसे पति अपने आप से प्रेम रखता है, वैसे ही उसे अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। When we love ourselves, then what we do the best for ourselves. देखिए, जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तब हम क्या करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेहतर चीज है वो हम करते हैं। We want to eat the good food, we want to wear the good clothes, हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं। we want to relax, we want to do so many things, we do so many things for our own lives. तो हम आराम करना चाहते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत सारी चीजें अपने आप के लिए हम करना चाहते हैं। Now, in that same way, we should think that for our own lives. तो वही चीज जो है हमें अपनी पत्नियों के लिए भी सोचना चाहिए। So, this is the second model. तो ये दूसरा आदर्श है। क्या Is it easy? ये आसान है? So, husbands have got a very two different models, which are not very easy, but it is possible with God's grace. तो पतियों को यहाँ पे दो आदर्श दिए गए हैं जो कि आसान नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये संभव है। Brothers and sisters, especially the second model, I have not thought of it much, but because of the study, it has come to me and I want to take it very seriously. तो भाई भाइयों बहनों, ये जो दूसरा आदर्श है इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, परंतु जैसे ही अध्ययन के रूप में आया तो मुझे ये अभी अपने जीवन में बहुत ही गंभीरता से लेना है। By nature, we are so selfish स्वाभाविक रूप से हम बहुत ही स्वार्थी हैं, क्योंकि because we are thinking only about ourselves. हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। But I was thinking that some years before, if I had known this truth, how much better it would have been. मैं ये सोच रहा था कि कुछ वर्ष पहले अगर मुझे ये सत्य के बारे में पता होता तो मेरा जीवन और कितना बेहतर हो सकता था। Course, this truth was in the Word of God, but it did not dawn on me. ये परमेश्वर के वचन में ही सत्य था, परंतु ये मुझ तक नहीं पहुंचा था। The first example or model, I had it from the first day of my marriage. जो पहला जो आदर्श दिया गया है वो मेरे जो वैवाहिक जीवन है उसके पहले दिन से ही मुझे पता था। Thank God for God's models and God's examples. परमेश्वर का धन्यवाद, और जो परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं, जो आदर्श दिए हैं उसके लिए। And brothers and sisters, I want to say that brothers and sisters, I want to say that there is no better way than what is written in the Word of God for marriage. तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के वचन में वैवाहिक जीवन के लिए जो लिखा गया है उससे बेहतर और कोई भी मार्ग नहीं है। Suppose somebody was supposed to give a message or about marriage and say that the marriage life will become so good if you do this and if you do that. It cannot improve on what is written here. तो उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि अगर किसी को कोई संदेश देना होगा कि वैवाहिक जीवन अच्छा होने के लिए आप ये कीजिए वो कीजिए, पर यहाँ पे जो वचन दिया गया हुआ है उससे बेहतर वो नहीं हो सकता। The examples for the wife and the examples for the husband is the best and it cannot get better than that. और यहाँ पे जो उदाहरण पत्नियों के लिए दिया गया है, पतियों के लिए दिया गया है, इससे बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। So, that is 28. Okay. So then it says, verse 29, for no one hated his own flesh, but nourished and cherished it just as Christ also does the church. 29वें वचन में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। So, again it says we don't hate our flesh, okay, but we nourish it and cherish it. फिर से यहाँ पे कहा गया है कि हम अपने देहों से जो है बैर नहीं रखते, परंतु क्या करते हैं, हम पालन पोषण करते हैं उसका। It says that Christ nourishes and cherishes the body. Every जैसे कि मसीह जो है कलिसिया को जो है पालन पोषण करता है। day our Lord Jesus cares for us, prays for us, and does the best for our life.
और प्रतिदिन हमारे प्रभु जो हैं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे लिए सबसे बेहतर करते हैं। So this is one word which says that God loves us so much तो ये एक ऐसा वचन है जो हमसे कहता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। that God nourishes and cherishes us. परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है। Today, if anybody is feeling that God is against you or God is angry with you, please, please remove that thought off. आज अगर यदि कोई किसी के मन में ये ख्याल हो कि परमेश्वर आपसे बैर रखते हैं, आपसे गुस्सा है, तो कृपया वो जो विचार है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। If we are a child of God and who loves Jesus, then the word of God says he nourishes and cherishes us. अगर हम परमेश्वर के संतान है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमारा पालन पोषण करता है। So the same way, the husband has to think of nourishing and cherishing his wife. वैसे ही पतियों को सोचना चाहिए कि वो अपनी पत्नियों की भी पालन पोषण करें। तो Yeah, so this is a wonderful truth. एक अद्भुत सत्य है। Okay, now it says verse 30 says, because we are, he cherishes and nourishes us because we are members of his body. और तीसवें वचन में कहा गया है वो हमारा पालन पोषण इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं, We are part of him. हम प्रभु के भाग हैं। Now we read 31. It अब हम 31 वचन में पढ़ते हैं। says, for this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh. इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक अंग होंगे। So this is the next verse says this is a mis this mystery is great, और and I'm दूसरा speaking with reference to Christ and the church. अगले वचन में कहा गया है कि यह भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। So this union between a husband and wife is such an important thing. It is not there. It says it they become when they are joined together, they become one flesh. तो यहाँ पे जो पति पत्नियों की जो मिलने की बात लिखी है, जब वो दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि वो दोनों एक तन बन जाते हैं। So it is a very close and intimate relationship. तो ये जो है बहुत ही गहराई का, बहुत ही जो है बहुत ही पास वाला एक रिश्ता है। तो And this verse is written in Genesis chapter 2. ये वचन जो है लिखा गया है उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय में Verse 24. 24वां वचन। So from that time onwards, when God created man, God also thought about the relationship of the church and Christ. तो तभी से जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तभी से ही परमेश्वर ने जो है मसीह और कलीसिया के विषय में भी सोचा था। So, it says, and I was reading today of 1 Corinthians chapter 6. मैं आज पहला कुरिन्थी उसके 6वां वचन पढ़ रहा था। Verse 15. उसका वचन 15। So, 6th chapter, verse 15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I take away the members of Christ and make them members of a harlot? May it never be. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका वचन 15। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है, सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। Then it says in verse 16, or do you not know that the one who joins himself to a harlot is one body with her? For it says, the two will become one flesh. 16वें वचन में कहा गया है क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। But it says in verse 17, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. और 17वें वचन में कहा गया है और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। So this relationship of Christ and the church is so intimate that we are one spirit with him. तो ये जो रिश्ता जो मसीह और कलीसिया के बीच में वो बहुत ही गहरा है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। The same way the husband and wife relationship is so intimate that they are one flesh.
तो वैसे ही पति पत्नी का जो रिश्ता है इतना गहरा है कि वो एक तन हो जाता है। So this mystery, this it's a mystery, and mystery means we are not clear about everything, but God has revealed to us. तो एक भेद है, भेद का अर्थ ये होता है कि हम सब चीजों के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें प्रकाश देता है इन विषयों के ऊपर। 33 says 33 वचन में कहा गया है, तो it 33 sums up the whole thing. जो 33वें वचन में सारे जो अध्याय का सारांश है, It says, nevertheless, let each individual among you also love his own wife even as himself, and let the wife see to it that she respects her husband. पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का भय माने। So finally, it sums up. So the husband has to love his wife just as himself. And और wife has to respect her husband. तो यहाँ पे सब सारांश में कहा गया है कि पति को अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखना है और पत्नियों को अपने पति का भय मानना चाहिए। So the husband, what does the headship of the husband mean? और ये यहाँ पे जो है पति का जो नेतृत्व का अर्थ क्या है, वो He is the head of the wife. पत्नी का सिर है, As it says in chapter 5, verse 23. जैसे कि 5वें अध्याय के 23वें वचन में कहा गया है। And that means the head means he is the decision maker. सिर का मतलब ये हुआ कि जितने भी निर्णय हैं वो पति को लेने हैं। And his headship is modeled on the headship of Christ. और उनका जो सिर होने की जो बात है, वो आदर्श जो है मसीह की, जो कलीसिया के सिर बनने की जो उदाहरण या आदर्श दी गई है, उस पर जुड़ा है। If it is not modeled on Christ, then what happens? The husband will become a lord and says, "You have to listen to me, and what I am saying is right. No questions." That sort of a head is not what the Word of God says. अगर ये जो आदर्श उदाहरण अगर मसीह पर निर्भर नहीं होगा तो क्या होगा? पति जो है एक अधिकारी के समान, प्रभु के समान हो जाएगा और कहेगा कि मैं जो बोलता हूँ वही करना चाहिए तुम्हें और मेरी ही बात मानो, वैसा हो जाता है, तो वो मसीह के समान नहीं होता। Christ has had demonstrated that he serves his disciples. तो मसीह ने हमें ये दृष्टांत में दिखाया है कि कैसे वो अपने शिष्यों की सेवा करता है। That's a headship which has got life and character in it. तो वो ऐसा एक सिर है, नेतृत्व है, जहां पे जीवन है, एक चरित्र है Tremendous love. और बहुत प्रेम है वहां पे। It's a So that is the model of the headship of the husband. तो एक पति का सिर होने का जो आदर्श है वहीं से हमें मिलता है। So when the husband is the head of the wife, it does not mean now the Christ does not become the head. Now the husband becomes the head. It does not become mean that. अगर यहाँ पे कहा गया है कि पति पति जो है सिर का जो अधिकार है उसे दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह सिर नहीं है वहां पे, पति ही सिर्फ सिर है। No, it is not that way. The Christ has her primary head is Christ, and then the husband. परिवार के अंदर मसीह पहला सिर बनता है, फिर बाद में पति सिर होता है। So the husband takes the initiative and responsibility to lead, to supply, and to protect. तो पति जो है वो जो है ये जिम्मेदारी लेता है कि वो अपने परिवार की रक्षा करे और जिनकी जितनी भी जरूरत है वो उसे पूरी करना चाहिए And to protect. और उनकी रक्षा भी करे वो। So, brothers and sisters, this is the message, and I was blessed as I went through this study, and for my own life, and this is what I wanted to share. तो भाइयों बहनों, ये जो संदेश है, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैं अपनी खुद स्वयं के जीवन के लिए भी बहुत आशीष पाई इस वचन के द्वारा। मैं यही आपसे बांटना चाहता हूँ।